एक ऐसा आइलैंड जहां सिर्फ हम होंगे और हमारे चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ समंदर। क्या हम उस आइलैंड पर 10 दिनों में एक आयरन का आर्मर और अपने लिए एक बढ़िया सा हाउस बना सकते हैं? देखने के लिए बने रहे पूरे वीडियो तक। हम जहां स्पॉन हुए थे वहां दो ट्री थे। बिना वेस्ट टाइम हम उनको तोड़ने के लिए चले गए। हमने सबसे पहले पूरे ट्री को तोड़ा और उसके बाद पूरे आइलैंड को एक्सप्लोर किया। वर्ल्ड बनाने के पहले हमने एक बोनस चेस्ट मांग रखा था, इसलिए माइनक्राफ्ट ने हमें एक बोनस चेस्ट दे दिया और उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी लूट थी। सब कुछ ले लेने के बाद हमने सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल बनाया और थोड़े स्टोन माइन करे और उससे स्टोन टूल्स बनाए। उसके बाद हमको थोड़ी और लकड़ी चाहिए थी, इसलिए हमने दूसरे ट्री को भी काट दिया। उसके बाद हमने पेड़ की सैपलिंग को प्लांट कर दिया। उसके बाद हमने थोड़ी सी लेडर बनाई और माइन के लिए चले गए। मैंने बहुत ज़्यादा माइन करी लेकिन मुझे कुछ भी नहीं मिला, इसलिए मैं वापस आ गया। जब मैं वापस आया तब वहाँ दो पेड़ ग्रो हो चुके थे। बिना टाइम वेस्ट मैं उसे काटने लगा। बड़े वाले पेड़ को काटने से हमें एक स्टैक से ज़्यादा लकड़ी मिल चुकी थी। उसके बाद मैंने दूसरे पेड़ को भी काट लिया। नेक्स्ट मैंने फिर से सैपलिंग प्लांट करी। दूसरे दिन की रात को हम फिर से निकल पड़े माइनिंग के लिए। माइनिंग से वापस आने पर हमारे पास 27 रॉ आयरन थे। सबसे पहले हमने फर्नेस बनाया और उसमें आयरन को मेल्ट होने के लिए रख दिया। उस रात को वहाँ एक ज़ॉम्बी विलेजर स्पॉन हुआ था। उसको ट्रैप करने के लिए मैंने थोड़ा सा कुछ किया, लेकिन आगे आप सब कुछ देख लीजिए क्या हुआ। उस रात को वहाँ एक एंडरमैन भी स्पॉन हुआ था। उसको तड़पाने के लिए मैंने एक चीज की, वो आप देख रहे हैं। अब बारी थी घर बनाने की, इसलिए हमने सबसे पहले बहुत सारी लकड़ियाँ कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। तीसरे दिन का सूरज ढल रहा था, इसलिए हम फिर से माइनिंग के लिए चले गए। वहां हमने बहुत सारी मेहनत करी और इस लोहे के हाथ ने लोहा निकाल ही लिया, यानी कि हमने माइन करते करते बहुत सारे डायमंड ढूंढ लिए थे। बहुत सारे से मेरा मतलब है तकरीबन 7 डायमंड। पूरा डे 4 हमने केव में डाका डाला था, इसलिए हमको बहुत सारा आयरन भी मिल चुका है। नाउ टाइम टू स्मेल्ट आयरन। मेरा पूरा 5वां दिन प्रिपेयरिंग में ही गया है। डे 6 को हमने अपने घर का भूमि पूजन किया और बनाने लगे छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा घर। उस घर को बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा लकड़ी की तंगी पड़ने वाली थी, इसलिए हमने कहीं कहीं पर स्टोन भी यूज़ कर लिया है। डे 8 को हमारा घर कपड़ों के बिना लग रहा था। कपड़ों से याद आया हमारे पास अभी तक आयरन का सूट नहीं है, इसलिए हमने बिना टाइम वेस्ट बना लिया अपने लिए एक आयरन का बढ़िया सा तगड़ा वाला सूट। उसके बाद हमारे पास खाना नहीं था, इसलिए हम निकल पड़े बिना टाइम वेस्ट समंदर में केल्प को लेने। केल को पकाया और उसको बड़ी चाव से खाया। उसके बाद ए बिल्डर फिर से लग गया अपना घर बनाने के लिए। आखिरकार डे 10 पर हमारा घर बन ही चुका था। अब आइए आपको भी कराते हैं हमारे घर की प्रदक्षिणा। सबसे पहले ऊपर एक हमने कमरा रखा है जहां कुछ भी नहीं है फिलहाल तो, और तो नीचे एक कमरा है, बाकी तो घर समाप्त। और आखिर में आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक कर देना वीडियो को अच्छा लगा हो तो, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।